बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। तो इसके लिए मैं तैयारी कर लेती हूँ, तो फिर बताती हूँ। कढ़ाई है, इसमें ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें चिकन डाल देंगे। थोड़ी सी चिपक जाती है डालने के फौरन साथ ही, तो एक दो मिनट रुक कर फिर चलाएँगे ताकि ये देख रहे हैं आप, ऑयल जहाँ पर नहीं है ना वहाँ से चिपक रही है। अब इसको बीच में करके ही पका लेते हैं। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे इसको। आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आती है या नहीं प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टमाटर को काट लेते हैं। टमाटर मैंने कटिंग कर लिए हैं और ये देखें मैंने बड़े बड़े पीस कटिंग किए हैं। जब ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनके छिलके उतार देंगे। ये डाल देती हूँ सारे, हल्का सा पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे। मतलब जो खाना पकाने वाला स्पून होता है ना वो वाला एक स्पून भर के पानी डालूंगी और इसको हल्की आंच पे ढक दूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। ये देखें ये सॉफ्ट होना है, ये वाला तो हो गया सॉफ्ट, ये छिलका उतर रहा है ना। अब ये सारा हो जाए अच्छी तरह से सॉफ्ट तो फिर के छिलके निकाल लेंगे। ये देखें ये सॉफ्ट हो गए और अब हम इसके पील्स ऐसे करके निकाल लेते हैं सारे। बहुत ही इजीली निकल जाते हैं। फिर इसके बाद हम सूखे मसाले डाल देंगे, तो मैं ये निकाल लेती हूँ सारे। ये मैंने सारे इसके टमाटो के छिलके निकाल लिए हैं और अब ये देखें कितनी इजीली ये टमाटर टूट रहे हैं। अब इसमें हम सूखे मसाले डाल लेते हैं। हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च। बस यही मसाले जाते हैं इसमें। और अभी देखना आप इतना अच्छा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कलर अच्छा आएगा। इसमें ब्लैक पेपर भी डालते हैं, वो हम लास्ट में डालेंगे। अभी इसको भून लेते हैं। भुन गए कितने अच्छे से टमाटो, देखें हो गए हैं जो थोड़े बहुत हैं वो भी अभी और गल जाएंगे। चिकन थोड़ी सी अभी रहती है कसर ना थोड़ी सी, ये देखें। तो अभी ये हो जाएगा कंप्लीट, अच्छी तरह से भुन जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसने ऑयल छोड़ दिया ना, तो अब हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर। इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है खाने में। और इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। देखें इसको चला लेते हैं। बहुत ही अच्छी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की। दूध बॉईल हो रहा है तो इसका भी स्लो आंच कर रही हूँ। और ये मैंने हरी मिर्ची और अदरक कट करी है, ये भी हम डाल देंगे और इसको ढक देंगे। अभी फिर दोबारा से 1-2 मिनट पकाएंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। ये रेडी हो गया है, भुन गया है,
नान के साथ, चपाती के साथ, शीरमाल ताफ्तान, जिसके साथ आपको अच्छा लगता है आप इसको खाएं। मुझे तो शीरमाल ताफ्तान और नान के साथ बहुत पसंद है। तो चले जी, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मुझे कमेंट्स करते रहें, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।